हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज हम बहुत ही इंस्टेंट तरीका बताएंगे कि मलाई से किस तरह से मक्खन निकालें, उसके बाद शुद्ध घी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, मलाई इकट्ठी हो गई थी कई दिनों से, तो यहाँ पे देखिए मलाई को साइड में करेंगे। यहाँ पे गहरा कोई भी गहरेदार बर्तन लेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे भगोना भी यूज कर सकते हैं, भगोना और अच्छा पड़ता है। यहाँ पे कढ़ाई हमारी जो थी गहरी थी, तो यहाँ पे देखिए हमने गहरेदार कढ़ाई ले ली है। तो सारे मलाई को ट्रांसफर करेंगे इस कढ़ाई में। तरीका बहुत ही अच्छा है मलाई निकालने का। मैं घड़ी देख के आपको बता सकती हूँ कि टोटल 3.5 मिनट 4 मिनट के अंदर मलाई जो होगी निकल जाएगी। ढेर सारी मलाई से मक्खन निकाल देंगे आज हम। तो चलिए देखते हैं किस तरह से निकालना है। तो सारी मलाई को सबसे पहले कढ़ाई में ट्रांसफर कर लीजिए। तो सारा मलाई देखिए इस कढ़ाई में हमने ट्रांसफर कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए बेलन लिया है, और बेलन से हम देखिए टोटल इस तरह से हाथों से घुमाते रहेंगे लगातार। हम 3 मिनट तक घुमाएंगे। 3 मिनट के बाद आप देखिएगा इसका टेक्सचर जो होगा बिल्कुल बदल जाएगा, बहुत ही जल्दी निकलती है। ये तरीका ना जरूर अपनाइएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस तरीके को आप पहले आजमाइएगा, उसके बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि जो तरीका हमने बताया था मलाई से मक्खन निकालने का, वो तरीका कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए, और ठंड के दिन में जो मक्खन होता है बहुत ही जल्दी निकल आता है, लेकिन उससे भी जल्दी निकालने के लिए यहाँ पे देखिए ये तरीका अपनाइएगा। बेलन से इस तरह से लगातार हम घुमाते रहेंगे 3 से 4 मिनट तक। 4 मिनट के अंदर हमारी जो मलाई होगी एकदम मक्खन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल 1 मिनट तक अभी हमने अच्छे से इसे मथ लिया है, ये देसी मथनी समझ लीजिए है। यहाँ पे देखिए 1 मिनट तक हमने मथा है, तो इसका जो टेक्सचर है वो देखिए इस तरह का, ये गाढ़ा सा हो गया है। अब 1 मिनट टोटल और हम इसे मथेंगे इस तरह से, उसके बाद भी अब आप देखिएगा कैसा इसका टेक्सचर होता है, बिल्कुल दानेदार हो जाएंगे। और 3 साढ़े 3 टोटल 4 मिनट के अंदर जो घी का मतलब जो मलाई से मक्खन निकलेगा ना, बहुत ही अच्छा तरीका है, इसे ट्राई जरूर करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा ये जो हमारा देसी तरीका है वो आप लोगों को कैसा लगा। और बहुत ही आसान तरीका है, इससे हाथ भी नहीं दुखते हैं, और जितनी भी मलाई हो आप इसे एक बार में बड़े बर्तन में करने के बाद एक साथ ही मार सकते हैं। जार वगैरह में क्या होता है कि कई बार में थोड़ा थोड़ा करके मलाई को निकालना पड़ता है, लेकिन आप अगर ढेर सारी मलाई इकट्ठी हो गई है तो आप बड़े बर्तन में आप निकाल सकते हैं। और जो इससे खुरचुनी निकलती है उसकी भी रेसिपी हम आगे दिखाएंगे आपको। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो खुरचुनी निकालेंगे वो मलाई में महक ना हो, कोई मतलब गंदी सी स्मेल नहीं आ रही हो, मलाई बहुत ज्यादा पुरानी ना हो, तो ही उस खुरचुनी से हम कोई भी रेसिपी बना सकते हैं, मिठाई या पराठे। लेकिन अगर काफी दिनों की मलाई हो जाती है तो इसमें एक स्मेल आने लगती है गंदी सी, तो उसे से घी निकाले उससे कोई रेसिपी न बनाए जो खुरचुनी मतलब निकलती है। इस बात का ध्यान दीजिए, वरना वो खाते वक्त महकेगी, बहुत ही अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ देखिए टोटल हम 2 मिनट और इसे करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कितना अच्छा आएगा। तो देखिए इसका टेक्सचर जो है और बदल गया 2 मिनट बाद। ये देखिए गाढ़ी सी हो गई है, हाथ देखिए बंधने लगेगा इस तरह से, जब हम करेंगे तो हाथ बंधने लगेगा और ये टाइट हो जाएगा, थोड़ा घूमने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन हम फिर भी घुमाएंगे इसे। अब ये समझ लीजिए निकल ही गया है, टोटल 2 मिनट हो गए हैं, 1 मिनट और लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। 4 मिनट के अंदर हम फटाफट से मलाई से मक्खन निकालेंगे। देखिए इसका टेक्सचर कितनी जल्दी से बदल रहा है, और इसे देखिए फटाफट से इस तरह से लगातार घुमाते रहेंगे। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी बदल रहा है, ये एकदम जाली जैसे कि वो दानेदार होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अभी दिखने लगेगा कुछ देर में। तो ये देखिए एकदम दानेदार ये हो गई है, देखिए हाथ में भी नहीं चिपक रही है, ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपको हाथों से, ये देखिए हाथ में भी नहीं चिपक रही है। और अभी तक हम बेलन से इसे लगातार 3 मिनट तक किए हैं घुमाते हुए, तो इस तरह से देखिए करते रहे लगातार। अब देखिए ये फाइनल स्टेज इसका कंप्लीट हो गया है, अब ये एकदम घी बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे देखिए बेलन को इस तरह से हम साफ कर लेंगे, लास्ट में हमें हाथ लगाने की जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन देखिए यहाँ पे हमने टोटल 3 मिनट के अंदर मलाई निकाल ली, ढेर सारा मक्खन निकाल लिया है। अब देखिए हम हाथ लगा लेंगे इस तरह से, देखिए सारे तरफ से इस तरह से साफ करते हुए बीच में आएंगे, और इस तरह से थोड़ा सा हाथ लगाते हुए देखिए इसमें थोड़ी सी दूध निकलेगी यहाँ पे, देखिए इस तरह से, लास्ट में कुछ नहीं करना है, इस तरह से देखिए हाथ लगाया हमने इस तरह से हाथों से, देखिए इस तरह से जैसे मसलते हैं कोई भी चीज को, इस तरह से हाथों से कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा दूध होगा वो निकल जाएगा। अगर दूध नहीं निकलेगा तो जब हम गैस पे जब मक्खन को रखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है घी निकलने में। इस तरह से देखिए हाथों से हमने इस तरह से मसल मसल के इस तरह से देखिए ऐसे 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 कर दिया, तो ये बहुत ही देखिए आसानी से निकल गया। अब ये देखिए
ये एक्स्ट्रा जो दूध है वो निकल जाएगा। जिस बर्तन में हमें घी बनाना है उस बर्तन में अब हम घी को ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों हाथ लगाना पड़ेगा हमें इस तरह से, इसका दूध सारा निकाल लेंगे। सबसे पहले हम देखिए कितनी ही जल्दी से ढेर सारी यहाँ पे हमने मक्खन निकाल लिया है। ये तरीका बहुत ही अच्छा है, इस तरीके को प्लीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ ट्राई जरूर करिएगा। सबके घरों में मलाई निकलती है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मैं दिखा रही हूँ या कुछ कुछ घरों में, सब लोग के घर में मलाई निकलती है। जो घर का फ्रेश देसी घी होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। तो जो लास्ट वाला भाग है उसमें दूध ज्यादा है तो हमें मक्खन निकालना है लास्ट वाला भी। तो इस तरह से देखिए हम इस तरह का छन्नी ले लेंगे, बड़ी हो तो बड़ी ले लीजिए, एक बार में ही निकल जाएगी। इस तरह से जैसे हम चाय को छानते हैं वैसे छान लेंगे ताकि जो मक्खन होगा देखिए इस छन्नी में आ जाएगा। और बाकी एक्स्ट्रा जो दूध मुझे मतलब माठा जिसे कहते हैं माठा को हम हटा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से निकल गया ना। तो कितना आसान तरीका है, एकदम अलग तरीका है, इस तरीके को जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए कितना ढेर सारा मक्खन हमने बना लिया है। तो बात है घी की, तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई को हमने गैस पे चढ़ा रही है, ये देखिए धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। अब इसे अच्छे से हमें मेल्ट हो जाने देना है। तो ये देखिए आखिरी स्टेज है, घी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई थी मतलब मक्खन, और ये देखिए घी इसमें से दिखने लगा है आप लोगों को। और जब खुरचन एकदम रेड हो जाएगी यानी लाल हो जाएगी ना तब उससे पता चल जाता है कि घी जो हमारी निकल गई है। तो अभी खुरचन जो है देखिए व्हाइट है, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए व्हाइट सा दिख रहा है, ये लाल हो जाएगा तो समझ में आने लगेगा कि हमारा जो घी है वो निकल गया है। तो इसे देखिए इस तरह लगातार कंटिन्यूस चलाते हुए मतलब इसे हम अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए फाइनल स्टेज है, घी जो है निकल गया है, गैस को कर लेंगे बंद। और देखिए ये रेड रेड से देखिए ऊपर झाग में दिखने लगी है, लास्ट में इसमें झाग आ जाता है जब घी निकल जाती है। और ये देखिए रेड रेड से दिखने लगी है मतलब कि जो खुरचन है वो रेड हो गई है, घी एकदम हमारा निकल गया है। तो सबसे पहले हम इन्हें ठंडे हो जाने देंगे, ये ठंडे होंगे तो झाग देखिए धीरे धीरे कम हो रहे हैं, गैस को हमने बंद कर लिया है। तो ये देखिए झाग कम हो रहा है, इसके देखिए खुरचन नीचे दिखने लगी है। तो यहाँ देखिए घी जो ऐसे अच्छे से ठंडा हो गया है। यहाँ पे हमने लिया है कांच का एक बर्तन हमने लिया है, इसके ऊपर इस तरह से देखिए चाय छन्नी हम रख लेंगे और हम घी को निकाल लेंगे। आप वजन में ये देखने के बाद आप अंदाजा बता सकते हैं कितना घी है। टोटल यहाँ पे आधा किलो यहाँ पे देसी घी हमने निकाला है और बहुत ही अच्छे होते हैं अगर घर पे हम घी निकालते हैं, क्योंकि बाहर किट में तो बहुत मिलावट होती है घी में और ये जो खुशबू होती है ना बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप घर पे घी निकाल रहे हैं ना तो पूरे घर में महक आ जाएगी कि मतलब हाँ यार कुछ अच्छा महक रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आती है देसी घी की। तो यहाँ पे देखिए खुरचन ज्यादा नहीं निकला है, फिर भी हम इसी से थोड़ी सी रेसिपी बना लेंगे खुरचन से। अगर खुरचन बच जाए तो खुरचन को फेंके ना, कुछ से कुछ ज्यादा अच्छी सी रेसिपी बना सकते हैं, क्योंकि है तो देसी घी ही, दूध मलाई यही सब इसमें मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए खुरचन को देखिए इस तरह से हमने रख दिया है। अब ये देखिए आधा किलो देसी घी बिल्कुल तैयार है बनके। इस तरह से घी निकालने का जो नया ट्रिक है जरूर अपनाइएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए खुरचन और देसी घी इसमें लगी हुई है थोड़ी सी, तो हम इसमें आटे की रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही हेल्दी होगा। तो यहाँ पे हम देखिए 2 चम्मच डाल रहे हैं घर का आटा, ये गेहूं का आटा है। अब आटे को हमें पहले भून लेना है। घी सबके घरों में निकलता है लेकिन खुरचन को प्लीज फेंकिए मत, इस तरह की अच्छी अच्छी शुद्ध घी से मतलब बहुत ही अच्छी रेसिपी बन सकती है। तो आटे को यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले आटे को भूनना है, उसी कढ़ाई में हमने भून लिया है। तो यहाँ देखिए आटे का जो कलर है वो चेंज हो गया है, आटा मतलब भून गया है। यहाँ पे जो खुरचन हमने छन्नी में रखी थी वो खुरचन को इसमें हम डाल देंगे और खुरचन के साथ फिर से हम आटे को थोड़ा सा भूनेंगे, मतलब टोटल मान लीजिए 1 मिनट तक हम भूनेंगे। खाएंगे तो एकदम मावा का टेस्ट आएगा आटे में। यहाँ देखिए आटे के साथ हमने टोटल 1 मिनट तक भून लिया है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच यहाँ पे हम पीसी हुई चीनी डालेंगे। याद रखिए इस बात का खास ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस रेसिपी को बनाएं यहाँ पे पीसी हुई चीनी ही हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चीनी को हमने डाल दिया, चीनी के साथ भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो खुरचन की रेसिपी बता रहे हैं ना इसे आप अगर बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल लगेगा कि आपने मावा का यूज किया है, बहुत ही अच्छी लगती है बची हुई खुरचन की रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए
गैस को बंद कर लेंगे और कढ़ाई ठंडी होने तक इसे लगातार देखिए इस तरह से चलाते हुए इसमें कहीं कहीं चीनी की गांठें बन गई हैं तो इसे हम फोड़ लेंगे। आप चाहें तो इन्हें इस तरह से चूरन की तरह भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इनके लड्डू भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लड्डू नहीं बनाएंगे, हम ऐसे ही प्लेट में जिनका भी खाने का मन हो उन्हें ऐसे ही हम सर्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आटे की पंजरी हमने बना ली। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप सर्व करके चम्मच के साथ दे दीजिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे हम प्रसाद वगैरह सत्यनारायण का पूजा होता है उसमें आटे का जो हमें प्रसाद मिलता है चूरन जिसे हम बोलते हैं, तो इस तरह की पंजरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आटे की पंजरी हमने बना ली, बहुत ही अच्छी लगती है, इसे ट्राई जरूर करिए। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिए, हो सके तो ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली रिश में, बाय बाय, टेक केयर।